नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रोपन जी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज के दिन हमें आईटी सेक्टर में और आईटी सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें काफी ज्यादा नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। जहां पहला स्टॉक आता है नौकरी, जिसे आप इन्फो एज नाम से भी जानते होंगे, जिसमें आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 9% से ज्यादा की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड सेकेंड नंबर का जो स्टॉक है वो है कॉर्पोरेट, जिसमें आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 7% तक की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की और उसके बाद में दोनों स्टॉक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि अभी हमें दोनों स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या हमें अभी इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए या फिर यहाँ पर हम इस स्टॉक में फिर से एंट्री ले सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कई सारे न्यूज, स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की, जहां आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में हमें डबल टॉप बनाकर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। आप देख सकते हैं 31,200 की प्राइस से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जहां लास्ट वीक हमें काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला और वहीं हमें इस वीक के फर्स्ट डे ही हमें एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं डबल टॉप बनाकर हमें आईटी सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिला है। दोस्तों, बात यहां पर आती है कि हमें आईटी सेक्टर में क्या करना चाहिए, आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों इस टाइम पर आज के दिन हमें सभी सेक्टर में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है और कहीं ना कहीं हमें मार्केट में भी इस वीक एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। या फिर अगर मैं बात करूं फरवरी की, तो दोस्तों फरवरी में भी आपको मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि अभी के लिए आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे, यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि किसी भी चीज को महंगे में खरीदने से अच्छा है कुछ टाइम आप वेट करें और उसी स्टॉक को आप एक अच्छी प्राइस पर, सस्ती प्राइस पर बाय कर ले। तो अभी के लिए आप आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नौकरी स्टॉक की, जिसमें दोस्तों न्यूज की वजह से, यानी दोस्तों क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो आया है नौकरी स्टॉक का, जो कहीं ना कहीं कंपनी ने ज्यादा लॉस दिखाया है, जिसकी वजह से आज के दिन हमें नौकरी स्टॉक में काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है। अब हम सीधा टेक्निकल पर आ जाते हैं, जहां सबसे पहले आप टाइम फ्रेम पर देखेंगे, डेली पर। डेली पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक हमें नौकरी स्टॉक में डेली पर एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला था, 3,780 की प्राइस पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और वहीं से हमें इस स्टॉक में 3,850 के भी टारगेट देखने को मिले थे, यानी कि ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट का एक अच्छा टारगेट देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है, उस रीजन से हमें आज के दिन काफी ज्यादा और बड़ा फॉल देखने को मिला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नौकरी स्टॉक में नीचे की तरफ 3,300 की प्राइस पर एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जहां स्टॉक ने 3,350 से एक अच्छा रिवर्सल भी दिखाया है, जिसे आप 5 मिनट के कैंडल पर काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट पर यहां पर हैमर बना और उसके बाद में हमें नौकरी स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, हमें बात करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल सिर्फ वर्क करता है इंट्राडे के लिए, हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में अभी के लिए आप इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। अवॉइड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आज के दिन इसमें वॉल्यूम है और सेलिंग प्रेशर और डाउन ट्रेंड है, उससे लगता है कि अभी कुछ दिन के लिए हमें नौकरी के स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नौकरी अपना 3,300 का सपोर्ट ब्रेक करता है, तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में नीचे की तरफ और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अभी के लिए इस स्टॉक को जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो दोस्तों अगर ये स्टॉक और डाउन आता है तब आप अपनी प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। बट प्रेजेंट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी के लिए वेट एंड वॉच करें। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक की, जो है कॉर्पोरेट, जिसमें भी हमें आज के दिन काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 7% का फॉल देखने को मिला है।
दोस्तों अगर लास्ट 6 मंथ की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेज में हमें कई बार बड़े बड़े फॉल देखने को मिले हैं, जहां आज के दिन तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ हमें फॉल देखने को मिला है। आप यहां पर नीचे की तरफ देख सकते हैं किस वॉल्यूम से हमें कॉर्पोरेज के स्टॉक में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर और डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो दोस्तों आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि डेली पर आपको कॉर्पोरेज में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो है 3900 की प्राइस का। अगर कॉर्पोरेज 3900 का सपोर्ट ब्रेक करता है डेली पर और उसके नीचे सस्टेन होता है, क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में नीचे की तरफ 3300 3500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अभी के लिए आप इस स्टॉक में भी वेट एंड वॉच करें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करें, ना कि किसी प्रकार की एंट्री ले, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को कॉस्टली यानी कि महंगे में लेने से अच्छा है प्रेजेंट में ऑलरेडी मार्केट भी एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, जहां आपको कवरेज भी देखने को मिला होगा लास्ट वीक सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज में घूम रहा था एंड फाइनली इस वीक के ओपनिंग यानी कि फर्स्ट डे इसने एक अच्छा खासा फॉल भी दिखा दिया। तो प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट को वेट एंड वॉच करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से सोचते हैं तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली नौकरी कॉर्पोरेज सभी अच्छे स्टॉक्स है, बट कहीं ना कहीं इस टाइम पर आईटी सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, इसलिए आप अभी एंट्री ना ले। आई दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।